राधे राधे। विश्वास और भक्ति में बड़ी होती है शक्ति, भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। आप अपने आराध्य में विश्वास करके तो देखिए। अयोध्या के बहुत निकट ही पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त का परिवार रहता था। उनके घर एक सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती जी का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय मात्र दो वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई है। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा, मेरा विवाह निश्चित हो गया है और मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 22 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार वस्त्र और 22 रुपए लेकर रिक्शा पर बांध कर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती जी घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थीं और सोच रही थी कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय चार बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा सा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे, बाकी गाड़ियों से और तीन जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्नजड़ित पगड़ियाँ, वस्त्र हीरे के हार पहन रखे हैं। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भर कर लाए हैं। हनुमान जी की पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू कर दिया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर,
हाथ पैर के आभूषण मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि यह मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती जी के आनंद का ठिकाना ना रहा, उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए, लेकिन कोई पूछ ना पाया कि यह गाड़ियां कैसे आईं, यह अन्य तीन लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक रो रही थी और अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और आशीर्वाद दिया। सरस्वती जी ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्धान हो गए। उसी समय आलसी मौसेरा भाई किसी तरह असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र ओढ़ाया और 22 रुपए दिए। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई और कपड़े कैसे फट गए। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में जाकर पूछा कि बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे। फिर तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो चार ही भाई हैं और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य तीन भैया ही हैं। माँ जान गई थी कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। भक्ति और विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। आप अपने आराध्य में विश्वास करके तो देखिए। राधे राधे। ऐसी और वीडियोस देखने